इस वीडियो में हम बात करेंगे लुईस सायर और साइक्लॉप्स का मुकाबला किस तरह से हुआ। साइक्लॉप्स और उनके साथ जो उनका दोस्त था मॉन्टगोमरी इरविंग, जो सैंडो की तरह दिखता था, ये दोनों अपना स्टेज पर शो कर रहे थे और वहीं पर इनका जो मैनेजर था मिस्टर किंग वहां पर खड़ा हुआ था। तो साइक्लॉप्स जो था वह सारे भीड़ के सामने स्टेज पर खड़ा हुआ यह घोषणा कर रहा था कि मैं सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष हूँ, कोई भी मुझसे ज़्यादा अधिक शक्तिशाली पुरुष इस दुनिया में नहीं है। और वह कह रहा था कि लुईस सायर जो है उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको सिक्के की तरह तोड़कर रख दूंगा, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हूँ। साइक्लॉप्स को अपनी ताकत पर घमंड था और जो वह सिक्के तोड़ लेता था, जो एक दर्जन सिक्के हों उनको वह लगातार एक के बाद एक तोड़ देता था, तो उसको सिक्के तोड़ने की ताकत पर ज़्यादा घमंड था। तभी वह सारी जनता के सामने ऐसा कहता है कि लुईस सायर को मेरे सामने लाओ, मैं उसको सिक्के की तरह तोड़कर रख दूंगा। फिर मिस्टर जो किंग थे, यानी कि जो साइक्लॉप्स और मॉन्टगोमरी इरविंग का जो मैनेजर था मिस्टर किंग, वह साइक्लॉप्स की प्रशंसा करने लगा। वह लोगों को इस तरह से बताने लगा कि यह जो आपके सामने जो साइक्लॉप्स खड़े हैं यह अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हैं, इनके पास बहुत ही अधिक ताकत है, यह किसी को भी हरा सकते हैं, इनके सामने लुईस सायर तो कुछ भी नहीं है, यह लुईस सायर से भी अधिक शक्तिशाली पुरुष हैं। और तो और मिस्टर किंग जो प्रदर्शन देखने के लिए जो भारी भीड़ आई थी उसके सामने ऐसा कहते हैं कि जो लुईस सायर है वह डरपोक है, वह कभी भी हमारे सामने प्रकट नहीं होता है, वह हमसे मुकाबला कर ही नहीं सकता है। यह सारी बातें सुनकर जो भीड़ थी वह शोर मचाने लगी, क्योंकि उस भीड़ में लुईस सायर के काफ़ी प्रशंसक बैठे हुए थे और साइक्लॉप्स के भी प्रशंसक बैठे हुए थे। तो फिर जो लुईस सायर को जो चाहने वाले व्यक्ति थे वह शोर मचाने लगे कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लुईस सायर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है। तो इस तरह से वहाँ का जो माहौल था वह गर्म होने लगा, काफ़ी भीड़ आई थी इस प्रदर्शन को देखने के लिए। वहाँ पर जो पुलिस बल तैनात किया गया था उसके लिए इतनी भीड़ को कंट्रोल करना संभव ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भीड़ जो थी वह बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह का जो मिस्टर किंग ने जो अपना बयान दिया और साइक्लॉप्स को अद्भुत शक्तिशाली बता रहे थे और लुईस सायर को कमज़ोर बता रहे थे, डरपोक बता रहे थे, ऐसी बातें सुनकर जो लुईस सायर थे उनकी एंट्री हुई, क्योंकि लुईस सायर को पता चल गया था कि साइक्लॉप्स जो है वह एक विशेष स्थान पर अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहा है और उसने मुझको लड़ने की चुनौती दी है। तो लुईस सायर उसी स्थान पर पहुंचते हैं और लुईस सायर की एंट्री होती है। लुईस सायर गलियारे में से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लुईस सायर को जो चाहने वाले पुरुष थे वह लुईस सायर के जयकारे लगा रहे थे। वहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति लुईस सायर की झलक पाना चाहता था कि वह कैसे दिखते हैं, उनका अद्भुत शक्तिशाली शरीर कैसा है, क्योंकि लुईस सायर अद्भुत शक्तिशाली पुरुष थे, उनके शक्तिशाली शरीर की एक झलक देखने के लिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे। इस दौरान जो लुईस सायर थे उनकी नज़रें जो थी वह साइक्लॉप्स पर थी, क्योंकि उनके भीतर साइक्लॉप्स के प्रति गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि साइक्लॉप्स ने ऐसी घोषणा करी थी कि लुईस सायर को मेरे सामने लाओ, मैं उसको सिक्के की तरह तोड़ दूंगा। तो जो लुईस सायर थे उनकी नज़र साइक्लॉप्स पर टिकी हुई थी, वह बार बार साइक्लॉप्स की तरफ ही देख रहे थे। लुईस सायर के साथ उनके जो मैनेजर थे मिस्टर लवाडी और उनके साथ कुछ व्यक्ति भी थे जो लुईस सायर के पीछे पीछे चल रहे थे। लुईस सायर स्टेज की तरफ बढ़े और उन्होंने गुस्से में आकर साइक्लॉप्स को कहा कि तुम कहते हो कि मैं अद्भुत शक्तिशाली पुरुष हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सिक्के तोड़ देने से कोई अद्भुत शक्तिशाली पुरुष नहीं हो सकता है, मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर आ गया हूँ, अब मुझसे तुम मुकाबला करके दिखाओ। इस तरह से लुईस सायर ने अपने शब्द कहे और उन्होंने अपना कोट उतार दिया और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो गए। लुईस सायर के साथ
जो उनके मैनेजर थे, जो मिस्टर लवाड़ी जो उनका नाम था, वह अड़ियल स्वभाव के थे और वह साइक्लोप्स को और मिस्टर किंग को कहते हैं कि तुम खुद कीचड़ उछालते हो और तुम सोचते हो यह कीचड़ उछालने के बाद मुझ पर इस कीचड़ की बूंदें नहीं आएंगी, इसलिए तुमको यह जो मुकाबला है यह अभी इसी रात इसी समय करना होगा। मिस्टर किंग जानते थे और साइक्लोप्स भी जानता था कि वह कम शक्तिशाली है, इसलिए जो मिस्टर किंग था वह बहाने बनाने लगा था कि साइक्लोप्स जो है वह लुई सार से इस समय शक्तिशाली बल प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हम अगली रात यानी कि अगले दिन इस बल प्रदर्शन को करेंगे। लेकिन जो मिस्टर लवाड़ी थे उन्होंने तुरंत मना कर दिया और वह ऐसा कहने लगे कि यह जो कॉम्पिटिशन है यह अभी होगा। फिर अंत में आकर मिस्टर किंग ने ऐसी घोषणा कर दी कि जो भी मेरे क्लाइंट यानी कि सैंडो और साइक्लोप्स को हराएगा, यानी कि जो सैंडो और साइक्लोप्स के बल प्रदर्शन की नकल करेगा, उसको एक विशेष इनाम दिया जाएगा। इनाम के रूप में जो सैंडो को हराएगा उसको $500 दिए जाएंगे और जो साइक्लोप्स के शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल करके दिखाएगा उसको मैं $1,000 दूंगा। क्योंकि मिस्टर किंग जो थे वह बंधे हुए थे, पूरी भीड़ ऐसा चाहती थी कि यह जो मुकाबला है यह आज की रात ही हो, तो फिर मिस्टर किंग को मजबूरन ऐसी घोषणा करनी पड़ी कि जो भी मेरे इन दो व्यक्तियों के साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन में इनकी नकल करेगा उसको $500 और $1,000 इनाम के रूप में दिया जाएगा। अब मिस्टर किंग साइड में जाकर साइक्लोप्स के साथ और सैंडो के साथ कुछ घुसपुसाने लगा। वह ऐसा कहने लगा कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रही है और वह चाहती है कि यह जो कॉम्पिटिशन है यह आज ही रात होना चाहिए, इसलिए साइक्लोप्स तुम जो भी बल प्रदर्शन करना चाहते हो करो, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन के कराने के अलावा हमारे पास कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। इसलिए साइक्लोप्स और सैंडो ने निश्चय बना लिया कि हम इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करेंगे जिसकी नकल लुई सार करके दिखाएगा। उस दौरान साइक्लोप्स ने कई शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाए जिनकी नकल लुई सार ने बड़ी ही आसानी से कर दी थी। इसके अलावा जो साइक्लोप्स को चाहने वाले जो व्यक्ति थे वहाँ पर जो इतनी भीड़ खड़ी हुई थी और जो बाकी के जो व्यक्ति बैठे हुए थे वहाँ से ऐसी आवाज़ें आ रही थी कि साइक्लोप्स आप डंबल उठाओ, क्योंकि जो एक डंबल था साइक्लोप्स का वह बहुत ही ज़्यादा फेमस था। लोग ऐसा कहते थे कि ये जो साइक्लोप्स का जो डंबल है यह अत्यंत भारी है, कोई भी शक्तिशाली पुरुष इस डंबल को उठा ही नहीं सकता है। और साइक्लोप्स का भी ऐसा मानना था कि मेरे पास यह जो डंबल है यह बहुत ही भारी है और पूरी दुनिया में कोई भी इस डंबल को उठा ही नहीं सकता है। इसलिए भीड़ के बार बार कहने पर साइक्लोप्स ने अपना जो विशेष डंबल था उसको उठाया और उसको उठाने के दौरान उसने पहले उसको ज़मीन से अपने सीधे हाथ से उठाया और उसको उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और कंधे पर रखने के बाद उसको अपनी कलाई घुमाते हुए सिर की ऊंचाई तक उठाया। यह देखकर जो साइक्लोप्स को चाहने वाले व्यक्ति थे वह तालियां बजाने लगे और साइक्लोप्स की जयकार करने लगे और फिर साइक्लोप्स ने उस डंबल को नीचे रख दिया। अब लुई सार की बारी थी कि वह साइक्लोप्स के उस डंबल को उठाकर दिखाएं। साइक्लोप्स का जो डंबल था वह 250 पाउंड का था, यानी कि 113 किलो का वह डंबल था जिसको साइक्लोप्स ने बड़ी ही आसानी से उठा लिया था। इस डंबल की एक विशेष बात यह थी कि यह जो उठाने वाला इसका जो हैंडल होता है वह बहुत ही विचित्र था, क्योंकि जो हैंडल था वह आसानी से हाथों की पकड़ में आता ही नहीं था। इसीलिए साइक्लोप्स को ऐसा विश्वास था कि जो लुई सार है वह उनके इस प्रसिद्ध डंबल को उठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि हैंडल ही कुछ अजीब बनावट का होगा तो फिर उसमें हमारी ग्रिप आ ही नहीं पाएगी और जब हम उसको ठीक प्रकार से पकड़ ही नहीं पाएंगे, उस पर अपनी ग्रिप को बना ही नहीं पाएंगे, तो फिर वह डंबल उठाया ही कैसे जाएगा। तो इसीलिए साइक्लोप्स सोच रहा था कि
ये जो मेरा प्रसिद्ध डंबल है 250 पाउंड का, इसको लुईस सायर उठा ही नहीं पाएगा। लेकिन लुईस सायर आगे बढ़े और उन्होंने उस डंबल को जमीन से उठाया और उसको उठाने के बाद अपने कंधे पर रख लिया, और कंधे पर रखने के बाद लुईस सायर ने उस डंबल को बड़ी ही आसानी से ऊपर तक उठा दिया, जिसको ओवरहेड लिफ्टिंग कहा जाता है या फिर ओवरहेड प्रेस कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने उस डंबल को छोड़ दिया। तो लुईस सायर ने साइक्लोप्स के इस डंबल को बड़ी ही आसानी से उठा लिया, क्योंकि लुईस सायर अद्भुत शक्तिशाली थे। उन्होंने तो 273 पाउंड के डंबल को उठाया था, तो फिर उनके लिए 250 पाउंड के डंबल को उठाना कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो साइक्लोप्स का जो मैनेजर था मिस्टर किंग, वह एक चालबाजी करने लगा। वह ऐसा कहने लगा कि लुईस सायर ने यह जो साइक्लोप्स का जो डंबल उठाया है, यह गलत तरीके से उठाया है, यह लिफ्ट बिल्कुल ही गलत है, हम इसको परफेक्ट लिफ्ट कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लुईस सायर हैं उन्होंने इस डंबल को गलत तरीके से उठाया है। हालांकि लुईस सायर ने जो डंबल उठाया था उसको उठाने की टेक्निक एकदम ठीक थी, लेकिन मिस्टर किंग ऐसा झूठ कहने लगते हैं कि लुईस सायर ने इस डंबल को गलत तरीके से उठाया है, क्योंकि लुईस सायर ने उस डंबल को बड़ी ही आसानी से उठा लिया, लेकिन जो मिस्टर किंग था वह चाहता नहीं था कि उसका जो क्लाइंट साइक्लोप्स है वह हारे, इसलिए उसने झूठ मूठ का ऐसा कह दिया कि लुईस सायर ने इस डंबल को गलत तरीके से उठाया है, इस डंबल को दोबारा से उठाया जाए। और वह कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैंने इस डंबल को ठीक तरह से नहीं उठाया, मैं इसको दोबारा उठाता हूँ। और उन्होंने गुस्से में आकर उस डंबल को उठाया और उस डंबल को एक ही बार में अपने कंधे पर उठा लिया, और कंधे पर लेने के बाद उस डंबल को अपने सिर की ऊंचाई तक उठाया, और उन्होंने इस तरह से करने के दौरान साइक्लोप्स की तरफ अपनी नज़रें गड़ाई और गुस्से में आकर साइक्लोप्स से बोला, अब बताओ कि मैंने यह जो लिफ्ट है यह ठीक प्रकार से करी है कि नहीं करी है। उन्होंने उस डंबल को उतनी देर तक उठाए रखा जब तक साइक्लोप्स ने हामी नहीं भर ली कि हाँ, तुमने यह जो डंबल है इसको ठीक प्रकार से उठा लिया है। उस समय जब साइक्लोप्स ने यह डंबल उठाया था तो उनके जो पैर थे वह एक विशेष प्रकार से जमीन में मानो गड़ गए हों और एक शक्तिशाली खम्भों की तरह लग रहे थे, और उन्होंने उस डंबल को बड़ी ही आसानी से उठा रखा था, और फिर उसके बाद उन्होंने उस डंबल को नीचे गिरा दिया। तो इस तरह से यह जो कंपटीशन था यह साइक्लोप्स के बीच में, मॉन्टगोमरी इरविंग यानी कि सैंडो के बीच में चल रहा था। लुईस सायर के साथ उनके जो शिष्य थे हॉरेस बेरे भी आए हुए थे। साइक्लोप्स के साथ जो व्यक्ति आया था सैंडो का मुकाबला हॉरेस बेरे के साथ हो रहा था। हॉरेस बेरे ने जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाए थे, उन सारे शक्तिशाली बल प्रदर्शनों की नकल हॉरेस बेरे ने बड़े ही आसानी से करके दिखा दी थी, क्योंकि हॉरेस बेरे जो नाम का व्यक्ति है वह लुईस सायर का शिष्य है और वह भी अद्भुत शक्तिशाली पुरुष था। तो सैंडो का और साइक्लोप्स का जितनी भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकलें हुई थी वह लुईस सायर ने और हॉरेस बेरे ने करके दिखा दी थी। तो यह घोषणा हो गई थी कि ये जो साइक्लोप्स है यह हार चुका है और लुईस सायर की यहाँ पर विजय होती है। लेकिन लुईस सायर के मन में एक विचार आया और वह मन में ऐसा विचार करने लगे कि मैंने साइक्लोप्स के कर्तव्यों की नकल तो करके दिखा दी है, लेकिन इस समय इस कंपटीशन को देखने के लिए जो इतने सारे लोग आए हैं, इनको यह बात कैसे पता चलेगी कि लुईस सायर भी अद्भुत शक्तिशाली पुरुष है। इसलिए लुईस सायर ऐसा विचार करने लगे कि मैंने साइक्लोप्स के कर्तव्यों की नकल करके दिखा दी, अब साइक्लोप्स को मेरे जो बल प्रदर्शन है उसकी नकल करके दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर जो लुईस सायर थे वह साइक्लोप्स को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, वह साइक्लोप्स को दिखाना चाहते थे कि वह कितने अद्भुत शक्तिशाली हैं और वह कौन कौन से शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके बल प्रदर्शन में बैकलिफ्ट थी, और तो और क्लीन एंड जर्क थी, डंबल प्रेस थी, और जो मिडल फिंगर लिफ्ट थी वह भी थी।
तो वह अपनी इन सारी शक्तिशाली बल प्रदर्शन को साइक्लॉप्स को दिखाना चाहते थे। तो उस समय तो यह जो प्रदर्शन था वह समाप्त हो गया था और वहां पर लुईस सायर की विजय हुई थी। अब जो था अगला दिन आया, बुधवार की रात थी। वहां पर जो साइक्लॉप्स था और जो मिस्टर किंग था वह अपना स्टेज पर एक प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पर उसी दौरान मिस्टर लवार्डी अपने साथ लुईस सायर और हॉरेस बेरे को लेकर वहां पर पहुंचे और लवार्डी ने तुरंत स्टेज पर चढ़कर लोगों को संबोधित करते हुए ऐसा कहा कि जो मेरा स्ट्रॉन्गमैन जो लुईस सायर है वह अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाना चाहता है। यदि लुईस सायर के शक्तिशाली बल प्रदर्शन की नकल साइक्लॉप्स ने कर दी तो फिर जो मैं अपने साथ 1000 पाउंड जो लेकर आया हूँ यह मैं साइक्लॉप्स को दे दूंगा। और इसी दौरान मिस्टर लवार्डी ने अपनी जेब से $1000 का जो नोटों का बंडल था वह निकाला और स्टेज पर रख दिया। मिस्टर लवार्डी कहते हैं कि लुईस सायर जो है वह अपने साथ बल प्रदर्शन करने की जो चीज़ें हैं उनका जो डंबल है और भी जो भारी भारी वस्तुएं हैं वह अपने साथ लेकर आए हैं।